राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रेड 2 की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये मूवी अजय देवगन की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस और एंटी करप्शन मूवी है, जिसे करीब 4-5 राज्यों में बैक टू बैक शूट करने के लिए ताबड़तोड़ टीम काम कर रही है। इससे पहले उनकी मूवी जो रेड 1 थी उसको तेलुगु में ऑलरेडी रवि तेजा बना रहे हैं और रेड 2 का मुहूर्त क्लिप भी उन्होंने आकर दिया था मुंबई में। मूवी की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि 15 नवंबर 2024 को मूवी बड़े पर्दे पर आ जाएगी। फिलहाल इसकी शूटिंग दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, यूपी के बड़े कस्बे पर हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर। चूंकि मामला रियल करप्शन का, इसलिए इस बार बहुत बड़े माफिया बिल्डर को टारगेट किया जाएगा। पहले पार्ट में निशाने पर नेता थे, इस बार भूमाफिया घर पर रेड पड़ने वाली है। अब सवाल उठता है, भूमाफिया बनेगा कौन? तो यहाँ पर राजकुमार गुप्ता ने बहुत ही तगड़े एक्टर की कास्टिंग की, जो कि सरप्राइज एंट्री भी लगती है। यहाँ पर रितेश देशमुख को लॉन्च किया गया है एज अ विलन। वैसे अजय रितेश इससे पहले टोटल धमाल में कॉमेडी कर चुके हैं, दोनों की टाइमिंग केमिस्ट्री पब्लिक को पसंद आई थी, बट यहाँ पर पहली बार दोनों एज अ हीरो वर्सेज विलन के अवतार में नजर आने वाले हैं। बात करें रितेश देशमुख की, तो हमेशा कॉमेडी फिल्में ज्यादा करते हैं। साल 2000 में उनकी मूवी आई थी तुझे मेरी कसम, उसके बाद टोटल धमाल हो गई, हाउसफुल हो गई, बेबी हो गई, हमशक्ल हो गई। मोस्टली कॉमिक टाइमिंग में उनको पसंद किया जाता है। लेकिन नेगेटिव रोल के मामले में भी रितेश देशमुख ने अपना तगड़ा सिक्का जमाया है दो फिल्मों से। एक का नाम है एक विलन, दूसरी है मरजावां। मरजावां भले सुपर फ्लॉप थी, बट उनके बोने वाले किरदार को बहुत लाइक किया गया था। इसी तरह एक विलन में हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, बट बाजी मार ले गए थे हमारे एक विलन रितेश देशमुख। अब वही विलन रेड 2 में नजर आएगा अजय देवगन के अपोजिट, और करप्शन को नए लेवल पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।